दोस्तों 2025 में होने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो इसका आंसर होगा, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम में जितने भी श्लोक हैं यानी मंत्र हैं वो सभी कितने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। दूसरा क्वेश्चन है, सत्यकामु किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्यकामु किस पात्र से ढका हुआ? हिरण्यमय पात्र है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिरण्यमय पात्र से। तीन नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो इसका आंसर होगा सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद। चार नंबर क्वेश्चन, हिरण्यमयन पात्रेन दयास दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? मतलब हिरण्यमयन पात्रेन जो है यह मंत्र कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर होगा ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन नंबर ए, ईशावास्योपनिषद। पाँच नंबर क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, महान से भी महान क्या है? आत्मा ही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। छठा नंबर क्वेश्चन, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा नित्य, ऑप्शन नंबर बी, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा यह संसार अनुशासित है, यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। क्वेश्चन नंबर 8, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? पद्यात्मक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्यात्मक मंत्र मंगलम पाठ में संकलित हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ में जो प्रथम मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईशावास्योपनिषद। मंगलम कहाँ से संकलित है? तो मंगलम में जितने भी हैं पाठ, मंगलम में जितने भी मंत्र हैं वो सभी उपनिषद से लिए गए हैं, इसलिए मंगलम उपनिषद से ही संकलित हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 11, किसकी विजय नहीं होती है? तो आंसर होगा असत्य की, और विजय किसकी होती है? सत्य की। तो विजय नहीं होती है तो ये होगा असत्य, और विजय होती है तो सत्य। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा श्वेतास्वर उपनिषद, श्वेतास्वरोपनिषद, तो ऑप्शन नंबर बी, श्वेतास्वरोपनिषद। 13 नंबर, अनवरण्यान महतो दयास महिमात्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? मतलब किस उपनिषद से यह मंत्र लिया गया है? तो इसका आंसर होगा कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में किस महिमा का? परम पुरुष, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परम पुरुष। किसकी जय होती है? अभी दोस्तों चौथी बताएं किसकी जय होती है, और सत्य की जय होती है, और जय नहीं होती है किसकी, मतलब किसकी पराजय होती है? तो असत्य। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद, कितने हैं? 108, 108 उपनिषद हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बहती नदी कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर होगा बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 18, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो ए नंबर, आत्मा। जितने भी जीव जंतु हैं उसके हृदय में क्या, हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? आत्मा। अणु से छोटा कौन है? मतलब अणु से भी छोटा कौन है? तो इसका आंसर होगा आत्मा, अणु से भी छोटा आत्मा। क्वेश्चन नंबर 20, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? मतलब देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, मतलब देवलोक जो जाने का मार्ग है वह किससे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सत्य, सत्य बोलने से देव मार्ग को हम प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषद किसका अंग है? तो कहता है उपनिषद किसका एक भाग है, तो इसका मतलब अंग मतलब शरीर है, तो इसका होगा वैदिक वांग्मय का, तो वैदिक वांग्मय का उपनिषद एक अंग है। अब क्वेश्चन नंबर 22, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा, तो इसका आंसर होगा ईशावास्य उपनिषद में परमात्मा का वर्णन किया गया है, ईशावास्य उपनिषद। उपनिषद क्या प्रकट करता है? तो दोस्तों उपनिषद जो प्रकट करता है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत, उपनिषद क्या प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है? मतलब ब्रह्म को प्राप्त करने किस प्राप्त करने के लिए किस उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में है, सत्य का खजाना देवलोक में। सत्य से व्याप्त, सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। सत्य बोलने से देवलोक प्राप्त होता है। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या ईशावास्योपनिषद में किया गया है।
सत्य और असत्य में अंतर किसमें बताया गया है? सत्य और असत्य में अंतर मुंडकोपनिषद।